नमस्ते एवरीवन, आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज मेरा काफ़ी ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब रहा है। हुआ ये कि एक कस्टमर ने एक साथ दो ऑर्डर्स किए थे, एक रेडी टू डिस्पैच था और एक कस्टम ऑर्डर था जिसमें टाइम लगना था। तो जो रेडी टू डिस्पैच ऑर्डर था वो हमने तुरंत ही डिस्पैच कर दिया, और जो कस्टम ऑर्डर था वो भी उन्हें थोड़ा जल्दी चाहिए था तो हमने उसे तुरंत ही प्रोसेसिंग में डलवा दिया। और उसके बाद जो ऑर्डर रेडी था वो तो पहुँच गया, और फिर उन्हें उस ऑर्डर में थोड़ा साइज़ का इशू आया, तो उन्होंने कहा कि ये वाला मुझे रिटर्न करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये रिटर्न कर दीजिए, जब ये हमारे पास आ जाएगा तब हम इसका पैसा रिफंड कर देंगे। जनरली ऐसे ही होता है हर जगह पर। और जो उनका कस्टम मेड ऑर्डर था उसका 50% पेमेंट आ चुका था, 50% पेमेंट बचा हुआ था, तो मैंने कहा वो ऑर्डर भी रेडी है, आप उसका पेमेंट कर दीजिए ताकि हम उसे डिस्पैच कर दें, उसमें कोई ना डिले हो जाए। पर उन्होंने कहा नहीं, उसका जो मैं रिटर्न करी उसका पैसा भी मुझे इसी में एडजस्ट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप तब भी जो भी बैलेंस पेमेंट बच रहा है उसका पैसे एडजस्ट करने के बाद भी आप वो पेमेंट कर दीजिए तो हम इसे डिस्पैच कर दें। पर उन्होंने वो किया नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब वो रिटर्न आ जाए आपके पास। मैंने कहा ओके, उन्हें भी इतनी जल्दी नहीं होगी। फिर उसके बाद उन्होंने हमें 3-4 दिन बाद जो बैलेंस पेमेंट था वो पे किया। वो हमने जैसे ही मेरे पास बैलेंस पेमेंट आया हमने तुरंत उनका ऑर्डर डिस्पैच करवा दिया। अब वो ऑर्डर जिस टाइम वो एक्सपेक्ट कर रही थी उस टाइम नहीं आया, क्योंकि उन्होंने पेमेंट ही डिले किया। तो हर एक कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं काम करने की, ऐसा नहीं है हम एक पर्टिकुलर बंदे के हिसाब से हम अपने रूल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम उसी तरह से काम करते हैं। या तो वो ऑर्डर COD होता तो हम कैश ऑन डिलीवरी पे उसको डिस्पैच कर देते, बट वो ऑर्डर भी प्रीपेड था तो उसकी वजह से अब उनका ऑर्डर जब दो कमिटेड टाइम से हमारे जो डिलीवरी पर्सन है जो टाइम उन्होंने कमिटेड किया था उससे 3 घंटे लेट हुआ, और उस 3 घंटे में उन्होंने इतना सुनाया हम लोगों को जिसकी वजह से मैं अभी तक अपसेट हूँ। फाइनली उनका ऑर्डर तो डिलीवर हो गया लेकिन आज का पूरा 3-4 घंटे मेरे जो है वो इसमें वेस्ट हो गए। तो मैं सभी को बस यही बताना चाहती हूँ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग होता है और कोई एक ही बंदा नहीं होता है जो सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहा हो। लॉजिस्टिक अलग पर्सन देख रहा होता है और सेल्स टीम अलग होती हैं, हर एक चीज़ का डिपार्टमेंट अलग होता है, तो उसी अकॉर्डिंग ही काम चलता है। आई होप आप लोगों को हमारी ये बात समझ आई होगी। अगर आपको लगता है मैं कहीं गलत हूँ प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। एंड ऐसे कस्टमर्स के कभी कभी ऑर्डर्स आ जाते हैं तो ये लगने लगता है कि मैंने इनका ऑर्डर क्यों लिया। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।